लीनास किचन 24 में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त टेस्टी रोहू मछली मसाला। इसे बनाना एकदम आसान है, कोई भी बना लेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पीस रोहू मछली लिया है। मछलियों को पहले धो के अच्छे से पानी छान लेना है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डाल के अगर आप मछलियों को मैरिनेशन करते हो या मैरिनेट करते हो तो मछली में जो एक बैड स्मेल होता है ना, वो हट जाते हैं। इसलिए कभी भी आप मछलियों में थोड़ी सी ऑयल ऐड ज़रूर करें। मछलियों के चारों तरफ मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट के लिए ढक के रखेंगे। जब तक मछलियाँ हमारा मैरिनेट हो तब तक हम मसाला की तैयारी कर लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें लेंगे 1 टुकड़ा अदरक, 5 बड़े साइज के लहसुन लिया है, अगर छोटा है तो आप 10 भी ऐड कर सकते हो, 3 हरी मिर्च लिया है, 1 बड़े साइज के टमाटर का 1/2 लिया है, इसे भी डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ता का डंठल, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे पीस लेंगे। एक चीज मैं भूल गई थी साइड में रख के, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच राई का पाउडर लिया है, इसे भी डाल के हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। राई का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो अक्खा राई भी ले सकते हो, नहीं है तो ना ले। देखिए अच्छे से हमें इसे पेस्ट कर लेना है मसाला। इसे हम साइड कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। एक कढ़ाई में हम डालेंगे करीब 1/2 कप जैसे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद कढ़ाई के चारों तरफ हम ऑयल को फैला देंगे। फिर हम इसमें फिश डालेंगे और फिश के एक साइड हमें हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट फ्राई करनी है। अगर आप मछली को कढ़ाई में फ्राई करते हो तो एक साथ में बहुत सारे मछलियाँ ना डालें, फिर मछलियाँ टूट सकते हैं, एक के साथ एक चिपक भी सकते हैं, तो इसीलिए जितना आते हैं 2 से 3 मछलियाँ डालें और इसे आराम से फ्राई करें। मछलियों के एक साइड फ्राई हो गया है, हम इसे पलट देंगे और अपोजिट साइड भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेनी है। मछली अगर फ्राई करके ग्रेवी में डालते हो तो ये टूटते भी नहीं और कोई स्मेल भी नहीं आता और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। मछली हमारा फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे मछलियों को भी इसी तरह हमें फ्राई कर लेनी है। तो देखिए सब मछलियाँ हमने फ्राई कर लिया है। इसी ऑयल में हम डालेंगे थोड़ी सी खड़े मसाले, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, 1/2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी, 1 तेज पत्ती और 3-4 लौंग। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस कर लिया है, यानी पतला पतला करके काट लिया है। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला हमने पीसा था, वो मसाला डाल देंगे और ऑयल के साथ में अच्छे से इसे मिलाएंगे। 2 से 3 मिनट ऑयल के साथ में हमें इसे फ्राई करनी है। इस समय हम ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। मसाला के साथ में इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मसाला से ऑयल सेपरेट होने लगा है और कलर भी कितना बढ़िया आया है। अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया था, तो स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देना है, अच्छी तरह मिला लेना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी आपको जैसा चाहिए कम ज़्यादा, आप उस हिसाब से पानी डालें। वैसे 1 से 1.5 कप पानी इसमें ऐड करना चाहिए, तो मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह मिला लेंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। जैसे ही अच्छे से उबल आ जाए हम इसमें फिश ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हो या इंस्टा पर तो पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। मछलियाँ डालने के बाद थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। हल्का हाथों मछलियों को थोड़ा सा अलट पलट कर देंगे।
अब हम गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 5-6 मिनट पकने देंगे। 5-6 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ये जो रेसिपी है ना, इसमें मसाला बनाने की कोई भी तामझाम नहीं है, कोई भी बना लेगा इस फिश करी को। अब हम ऊपर से थोड़ी सी गरम मसाला इस तरह से छिड़क देंगे। आप देख पा रहे हो ना इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और मसाला के कोई तामझाम नहीं, एक ही मसाला हमने पीस लिया है। बस एक मसाला में हमें इस फिश करी को बनाना है। मछलियाँ हमारा हो गया है। लास्ट में हम इसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसी में ही थोड़ी देर ढक के रखेंगे। फिर ढक्कन को हटाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फिश करी बनके तैयार हो गया है। इसे गर्मा गर्म राइस के साथ में सर्व करिए, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी लगेगा। देखा आपने कितना आसान है इस मछली को बनाने के लिए। जो जो मसाला डाल के मैंने जैसे जैसे बनाया ना, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके बनाइए और मुझे बोलिए आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।